आकर मिलो जल्दी हॉल में। यहां क्यों आए तुम? माफी मांगने आया हूं जानवी। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई पर बेबी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी। मुझे पता है रवि कि तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो और मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी गलतियों से। बस एक बार सब कुछ खत्म हो जाए फिर हम दोनों सबको मना लेंगे। कमाल है चंदेल परिवार। एक दरिंदे से दोस्ती करने के लिए अपनी नैतिकता अपनी इंसानियत सब बेचने को तैयार हो गए पर इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। केस खत्म होते ही राजन पलट जाएगा। बता दो अपने हटी पति को। अवधेश बाबू अब राजीव बाबू के बारे में ऐसा मत बोलिए। और आप कैसे जानते हैं? हम खुद सुनकर आए। एक बार कोर्ट की पेशी हो जाए और केस हो जाए बंद तेरी राजन वर्मा होगा खास और चंदेल होंगे सूखी खास। उखाड़ के फेंक देंगे। हम तो जानते थे हमको मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। दोनों के दोनों बेमाने राजन वर्मा भी और हमारी हंसिनी दीदी भी। पर दिक्कत तो ये हो गया है ना कि राजीव बाबू ना कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ मानना चाहते हैं। करे तो करेगा। तो पहली गाथा से कदर ही नहीं है तुम्हारी। अवधेश बाबू हम आपको कह रहे हैं वापस अगर राजीव बाबू के बारे में ना कुछ भी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बके ना तो समझ लाइएगा कि आज हमारा दोस्ती खत्म। हम दोस्त हैं? हाँ तो फिर मिलाओ हाथ। नहीं करेंगे तुम्हारे राजीव बाबू की निंदा नहीं करेंगे कुछ अनाप शनाप नहीं कहेंगे उसके बारे में। फादर करते तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? वो काम कीजिए। इतनी रात गए को इस उचक्के के साथ कर क्या रही है? केस की तारीख मिल गई है अब न्याय मिलेगा। स्वर्ग में बैठी तेरी मां को अब शांति मिलेगी। धोखा होगा धोखा इंसाफ नहीं। भानु चंदेल की बेटी हो ना? घर नहीं अजायब बन गया है चंदेल भवन। एक से एक जाहिल हरकत हो रही है वहां। यकीन करिएगा बड़े पापा खुशबू मौसी ने शादी कर ली है। वो अवधेश दादा उन दोनों के बेटे हैं। आपके साथ भी वो न्याय करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ देव नारायण चंदेल जैसे लोगों से न्याय की उम्मीद करना निश्चित रात में सूरज देखने की कोशिश करना है पर मेरी उम्मीद का सूरज चांद तो कुहू है ना। हम जानते हैं
का मतलब? यही, तारामती का केस खत्म होते ही तुम फिर से चंदेल परिवार की छाती पे बैठ जाओगे, और खास करके देव नारायण चंदेल की छाती पर। अबे तुम ही हो ना जो हमारी खोपड़िया पे तबंचा तान दिए थे। उस वक्त बात हमारी नहीं, हमारी बहन और कुहू की थी। एक बार बस ही राजन वर्मा बोल दे कि वो धोखा करेंगे हमारे चंदेल परिवार से, बस एक बार बोल दे। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है कुहू पर। मेरा तो क्या, पूरे चंदेल खानदान का कल्याण करेगी। तू चिंता मत कर, तू जो देख कर आई है ना, और जो दिखाई देता है उसके उस पार देखने की चेष्टा कर, और अगर फिर भी ना मिले ना, तो कुहू की तरफ देख, तुझे सच भी दिखाई देगा और शक्ति भी, और अपने आप पर यकीन भी मिलेगा। वो साक्षात शक्ति है। बेटा पेपर ऐसे दुरुस्त करो कि कोर्ट में राजन वर्मा बिना शक शुबा के साफ भरी हो जाए। बाबा पेपर्स हमने रेडी रखा है, कोई फिकर की बात नहीं है। ये तुमने खुद बनाया ना बेटा? जी बाबा। एफिडेविट दो जरा। राजीव, वो मंदिर गई है बेटा, उसने बोला था कि तुम्हें ये प्रोटीन शेक दे दूं। बेटा कहाँ जा रहे हो? ये प्रोटीन शेक तो पी लो। हे भोले बाबा, शुक्रिया। इस बार तो ऐसा सबूत हाथ लगा है ना कि कोई इसको काट ही नहीं पाएगा। राजीव बाबू जब देखेंगे ना तो तुरंत ही फैसला कर लेंगे कि तारामती चाची जी के साथ ना अन्याय नहीं होना चाहिए। हमको तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, केस खत्म होते ही साथ मिलके चंदेल परिवार का जो खटिया है ना उसको खड़ा कर देंगे। बस जल्दी से घर पहुंच जाए। ये बच्चे की आवाज आ कहां से रही है? ये गाड़ी में धुआं कैसे? राजीव बाबू,
अरे बच्चा अंदर फंसा है। राजू बाबू, तू क्या कर रही है? राजू बाबू हटिए, राजू बाबू। बच्चा? नहीं, यहाँ पर तो बच्चा था। राजू बाबू बाहर आइए। बच्चा कहाँ गायब हो गया? वो यहाँ पर बच्चा था, बच्चा था, रो रहा था बच्चा। राजू बाबू निकलिए यहाँ से। वो बच्चा रो रहा था यहाँ पे, बच्चा कहाँ गायब हो गया? राजू बाबू बाहर निकलिए। तो घड़ी में आग फैलते जा रहे हैं। बोले बाबा, बच्चा, राजू बाबू जल्दी निकलिए, कोई नहीं है यहाँ। बच्चा कोई बच्चा नहीं है, राजू बाबू निकलिए। राजू बाबा ये शायद अंदर से लॉक हो गया, उस तरफ से देखो। यहाँ से भी बंद है, सब दरवाजे बंद है। जय भोलेनाथ, कुहू भली है, सच्ची है, नेक है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहां भी होगी मेरे लिए अथक प्रयास कर रही होगी। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना, उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भी विपदा, कोई भी संकट उन्हें त्रास न दे सके। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो चमत्कार है। भोलेनाथ की भक्ति को भोले का आशीर्वाद। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। कुहू, आगे खोलो, उठो ना कुहू। आगे खोलो, कू प्लीज खोलो ना। तुसे नैना मिलाए के, तुसे राजीव बाबू। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप ठीक है ना? अरे हमारी छोड़ो, तुम ठीक हो? हाँ। उठो, क्यों आई थी हमारे पीछे पीछे? आपको बचाने आए थे, लेकिन आप किसको ढूंढ रहे थे? कौन दिखाई दे रहा था आपको? अरे गाड़ी में एक बच्चा दिखाई दे रहा था हमको, रोते हुए, आग की लपटे में घिरे हुए। बच्चा? लेकिन वहाँ वहाँ कोई नहीं था। अरे दूर है, लेकिन हमको बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बच्चा दिखाई देता है हमको। दिमाग खराब है तुम्हारा? आज तुम्हारी वजह से कुहू की जान चली जाती। हमारा दिमाग खराब हो या ना हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है? गंद पड़ा भरा है तेरे दिमाग में? दूसरे के पति के पीछे मंडराते हुए शर्म नहीं आती तुमको? दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? अपने पति को ये लड़की समर्पित है और हम भी।
मना करने के बावजूद हमारे जीवन में टांग अड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? झूठा है तुम्हारा समर्पण, झूठा है कुहू का विश्वास तुम पर। अरे तू होता कौन है टांग अड़ाने वाला? उसका शुभ चिंतक। राजी बाबू, अब्देश बाबू छोड़िए, राजी बाबू को अब्देश बाबू छोड़िए, छोड़िए आप लोग। राजी बाबू वो सही कह रहे हैं, वो हमारे शुभ चिंतक ही है। उनके दिल दिमाग में हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज तक हमारा मदद ही करते आए। सच कह रहे, ये सब छोड़िए, ले अंदर चलिए, चलिए अंदर। अरे चलिए बड़का बाबू, बुआ जी, असा जी, संजीव बाबू आइए सर। हम कहे थे ना कि राजन वर्मा झूठा नाटक कर रहा है दोस्ती का, हमारे पास सबूत है उसका। यहाँ तक कि केस खत्म होने के बाद ना कि पूरा चंदेल परिवार को बर्बाद करने का ना संकल्प लिया है। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, हमारे पास सबूत है, देखिए। क्या हुआ? पता नहीं हमारा मोबाइल को क्या हो गया है। लगता है ये पानी में भीग गया। किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत है मेरे पास। सिक्योरिटी, ये सब क्या है? उठाकर बाहर फेंको इसे। मतदारों की इस घर में कोई जगह नहीं है। क्या बकवास है ये सब? हमको तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, हमारा केस खत्म होते ही, हमारी रिहाई होते ही साथ मिलके चंदेल परिवार का जो खटिया है ना उसको खड़ा कर देंगे। और विरोध करने से पहले ये भी सुन लीजिए, आपके घर का एक भेड़ी आया था इधर हमसे मिलने, और देश कह रहा था कि साथ मिलके चंदेल को बर्बाद करेंगे। झूठा है, मकार है ये राजन वर्मा। ये कैसे हो सकता है? अवधेश बाबू तो उनका भेद जानने गए थे। राजन वर्मा से सच कैसे उगलवाना है हम अच्छी तरह जानते हैं। जल्दी चलिए अवधेश बाबू, राजन वर्मा से सच उगलवाना बहुत जरूरी है। कुहू और अवधेश आपकी तरफ आ रहे हैं राजन बाबू, होशियार रहिए। गड़गड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठा के बाहर भेजो इसे। हाथ मत लगाना। मैं बस 10 सेकंड है आपके पास, अगर 10 सेकंड में ये तमाशा बंद नहीं हुआ तो नया तमाशा होगा यहाँ पर, आपकी और हमारी शादी का पर्दाफाश होगा। अरे छोड़िए 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 दादाजी, इनका कोई गलती नहीं है, ये कुछ नहीं किए, वही किए जैसा हम कहते इनको करने के लिए। अरे बोले ना, छोड़िए ना, अरे नहीं किए कुछ। अरे चाचा जी रुकिए ना, बस 2 सेकंड की चुप्पी और फिर हम बोलेंगे और आपकी कलाई खुलेगी। कोई हाथ नहीं लगाएगा उदेश को। दादा, अरे बोला ना कुहू ने, इसके कहने पर अवधेश ने ये सब किया है, बोला ना। प्रजा तुम लोग तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं हम भानु प्रताप, आगे से अगर हमारे बेटे के गिरेबान को हाथ लगाया ना तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिलहाल हमारे बेटे की जिंदगी के बारे में छोड़ो और अपनी बेटियों की करतूत के बारे में सोचो, क्योंकि रोज नए कांड तो वो कर रही है। खुशबू जी, जुबान को लगाम दो, अपनी औकात में रहकर बात करो तो बेहतर होगा। खुशबू,
शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन इस वसीयत के 3/4 के हिस्सेदार मैं और भानु चंदेल हैं। और दरअसल देव का भी उस हिस्से में कोई हिस्सा नहीं है, इस घर पर भी नहीं है, वो तो मेरा सगा भाई है। लेकिन तुम कौन हो? कौन हो तुम? किसी वक्त भी इस घर से बाहर की जा सकती हो, समझी? इसलिए दायरे में रह के बात करना, ध्यान रहे। ऊ कुछ हो नहीं, पर हम तो कुछ हैं। अब हम ऐसा वार करेंगे कि राजीव बाबू और ईक को हिया दोनों नहीं बच पाएंगे।